लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू देखने वाले हैं, जैसे कि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो कि नागालैंड में चल रहा है, 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट जिसे नैम समिट बोलते हैं, ये रिसेंटली कंपाला युगांडा में हुआ था, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का ऑनर मिला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को, एंड 50th भारत रत्न मिला है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जी को, एंड आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज अटल सेतु इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एंड ओवरऑल डैश लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अटल सेतु इंडिया का है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एंड ओवरऑल है 12th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अर्लियर नोन एज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसको पहले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बोला जाता था, एंड दिस इज 21.8 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। तो एक एक फैक्ट को हमें याद रखना है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 21.8 किलोमीटर एंड कनेक्ट्स मुंबई टू नवी मुंबई। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वर रिसेंटली अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2024? तो कितने अवार्ड्स अनाउंस हुए थे? तो ये हुए थे 132, टोटल 132 पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए थे। उसमें से थे 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 110 पद्मश्री, और ये रहे चिरंजीवी, इनको मिला था पद्म विभूषण, चिरंजीवी को मिला था पद्म विभूषण। अगर हम पद्म अवार्ड्स की बात करें तो दीज आर अनाउंस्ड एवरी ईयर, हर साल अनाउंस होते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 26th ऑफ जनवरी को। इसमें से 30 अवार्डीज थे वुमेन, 8% थे फॉरनर्स एंड 9 थे पोस्टुमस, जिसका मतलब होता है मरणोपरांत। 9 लोगों को मरणोपरांत मिला है, 8 लोगों को फॉरनर्स थे एंड 30 लोग थे वुमेन। और ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पद्म विभूषण तो याद ही होने चाहिए, जो मिला है विजयंती माला जी को, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक एंड पद्म सुब्रमण्यम, जिसपे हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, दैट इज पद्म पाठक वेंची माला, पद्म पाठक वेंची माला, पद्म फॉर पद्म सुब्रमण्यम, पाठक फॉर बिंदेश्वरी पाठक एंड वेन फॉर वेंकैया नायडू, ची फॉर चिरंजीवी एंड माला फॉर विजयंती माला। तो इससे आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं पद्म विभूषण को, जो कि मिला है 5 लोगों को। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 रिसेंटली कंक्लूडेड इन तमिलनाडु इज टॉप्ड बाय 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये रिसेंटली कंक्लूड हुआ था तमिलनाडु में और इसको टॉप किया है महाराष्ट्र ने विद 150 मेडल्स। सो ये गेम्स 2018 में स्टार्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, इसका इनॉग्रल एडिशन हुआ था 2018 में। ये करवाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इस साल इसका मैस्कॉट था रानी वेलु नचियार, इन शॉर्ट वीरा मंगाई, जो कि एक इंडियन क्वीन थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और लोगो क्या है? द फिगर ऑफ पॉइंट थिरुवल्लुवर। तो मैस्कॉट और लोगो भी हमें याद रखना है। इनॉग्रल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज सेडा तंसीक इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन, तो ये हो रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। 4th एडिशन ऑफ एनुअल रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली बिगेन्स इन, तो ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। हु वॉन द इनॉग्रल FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप हेल्ड इन ओमान, तो ये रिसेंटली हुआ था वर्ल्ड कप। 5S का मतलब होता है इसमें 5 प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें हर टीम में 5 प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको जीता है नीदरलैंड्स ने इंडिया को हरा के, नीदरलैंड्स ने इंडिया को हराया था। सो यू कैन सी इट इज एन इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कि हुआ था मस्केट ओमैन में, मस्केट ओमैन में, और नीदरलैंड्स ने इंडिया को हराया था बाय 7-2, 7-2 से हराया था इन फाइनल। 16th फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280।
तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में या फिर अदरवाइज राष्ट्रपति द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके टर्म्स होते हैं क्रूशियल टू द शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये सारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि इस टैक्स का कितना परसेंट सेंटर को जाएगा और कितना परसेंट स्टेट्स को जाएगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें फाइनेंस कमीशन में होता है चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। तो कुछ हफ्ते पहले अरविंद पनगड़िया को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। अब गवर्नमेंट ने बाकी 4 मेंबर्स का भी अनाउंस कर दिया है अपॉइंटमेंट, जो कि है अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राधाशक एंड सौम्य कांति घोष। इंडियस रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिसेंटली पब्लिश बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज। तो इंडिया की रैंक क्या है इन करप्शन परसेप्शन से, इंडिया की रैंक है 93। तो पहले तो हमें यही याद रखना है इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इंडिया की रैंक क्या है 93। तो दोनों चीजों का हमें याद रखना है। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 इंडिया रामसर साइट इंक्रीजेस फ्रॉम 75 टू, तो एज ऑफ नाउ इंडिया की रामसर साइट थी 75 एंड 2 दिन पहले ही इंडिया की रामसर साइट इंक्रीज हो चुकी है टू 80। 5 नई रामसर साइट्स ऐड हो चुकी हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो कि साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 में। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस साल का थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग एंड 5 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, 2 इन तमिलनाडु एंड 3 इन कर्नाटका। अगर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। आउट ऑफ 80 16 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024 इज वॉन बाय, तो रिसेंटली 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड हुई थी कर्तव्य पथ पे, उसमें बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड जीता है ओडिशा ने, और जिनकी थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। और बाकी चीजें भी हमें याद रखनी है। मिनिस्ट्रीज में से बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डब्ल्यू को, दैट इज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अमंग 3 सर्विसेज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स में मिला है द सिख रेजिमेंट को बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड। अमंग सीएपीएफ्स एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस में से मिला है दिल्ली पुलिस वुमेन कंटिंजेंट को बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड। एंड स्पेशल प्राइज मिला है सीपीडब्ल्यूडी को, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, जो थीम था सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। एंड बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड में पब्लिक चॉइस, तो इसमें एक ऑनलाइन पोल भी होती है, ऑनलाइन पोल में बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला है गुजरात को, तो ये भी हमें याद रखना है। विच कंट्री रिसेंटली लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट नोन एज स्लिम ऑन मून सरफेस, तो कौन सी कंट्री ने स्लिम नाम का स्पेसक्राफ्ट मून के सरफेस पे लैंड करवाया, तो ये थी जापान, जो कि 5th कंट्री बनी टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून, 5th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, और लास्ट ईयर हम बने थे 4th कंट्री, इंडिया बना था 4th कंट्री जब हमने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कराया, हमारा विक्रम लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 रिसेंटली कमेंसेज इन, तो ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है, अभी इसका फाइनल और सेमीफाइनल नहीं हुआ है, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इसका आपको कैप्टन याद रखना है, इंडिया का कैप्टन है उदय सहारन, इंडिया के कैप्टन है उदय सहारन, और ये हो रहा है साउथ अफ्रीका में। विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन द स्टेट बाय कर्बिंग एंटीबायोटिक ओवर यूज, तो अगर हम एंटीबायोटिक्स ज्यादा ले लें उसकी वजह से एक चीज होती है जो कि है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो उसके लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च हुआ है बाय द स्टेट ऑफ केरला। तो इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि ये कैसे फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज डीजी नेवल ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का चार्ज किसको मिला है, ये मिला है वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद को।
Bilateral maritime exercise Ayodhya is being conducted between navies of, तो ये हो रही है बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है। हु इज नेम्ड एज मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इन द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024? तो मेंस प्लेयर किसको मिला, ये मिला है लियोनल मेसी को। और बाकी अवार्ड्स भी हमें याद रखने हैं। तो ये सेरेमनी रिसेंटली हुई थी लंदन में, और मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को जो कि है अर्जेंटीना से। वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड मिला है आइताना बोनमट्टी जो कि है स्पेन से। और बेस्ट गोलकीपर मिला है मेंस में एडरसन को एंड वुमेन में मैरी ईयर्स को। और स्पेशल अवार्ड मिला है ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड मार्टा को। और फेयर प्ले अवार्ड भी ब्राजील की मेंस टीम को मिला। इंडियन नेवी टू होस्ट मिलान एक्सरसाइज 2024 इन, तो इंडिया की नेवी होस्ट करेगी मिलान एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम। तो इंडिया होस्ट करेगी विशाखापट्टनम में मिलान एक्सरसाइज। इंडिया थ्रू अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी काबिल रिसेंटली एक्वायर्ड 5 लिथियम ब्लॉक्स इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में इंडिया ने 5 लिथियम ब्लॉक्स को एक्वायर किया है? अगर हम लिथियम की बात करें, जो हमारी बैटरीज होती हैं कार की बैटरीज एंड बाइक, जो आजकल स्कूटी में बैटरीज आती हैं, तो ये लिथियम का इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो ये एक्वायर की है अर्जेंटीना में। काबिल की फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है 3 कंपनीज का, नैलको MECL एंड HCL। और लिथियम ट्रायंगल इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार है। यहाँ पे 65% लिथियम रिजर्व्स मिलते हैं, 65% लिथियम रिजर्व्स अर्जेंटीना बोलीविया चाइल। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ऐसा कुछ है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज अर्जेंटीना बोलीविया एंड चाइल, तो इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे है 65% लिथियम रिजर्व्स। द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 विल बी हेल्ड इन, तो 9th हमने दिसंबर के करंट अफेयर्स में एशियन गेम्स देखी थी, पैरा एशियन गेम्स देखी थी, बट एशियन विंटर गेम्स 2025 में होगी इन चाइना, चाइना में होगी 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। तो रिसेंटली इसका मैस्कोट और सिंबल एंड स्लोगन अनवील किया है। इसका मैस्कोट है बिन बिन एंड नीनी, द अडोरेबल टाइगर मैस्कोट्स। स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया एंड ऑफिशियल एम्बलम है ब्रेक थ्रू। तो तीनों चीजें याद रखने, तीनों चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन स्कीम टू अपलिफ्ट द पीवीटीजीज इज अंडर विच मिनिस्ट्री? तो पीएम जनमन अभियान जो कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने के लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री में है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो हम देख सकते हैं 2023 में लॉन्च हुई थी अंडर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं सेफ हाउसिंग, क्लीन वाटर, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, जिसके लिए 24,000 करोड़ रुपीज का आउटले है। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन महाराष्ट्र। तो पेंच टाइगर रिजर्व हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड 5th इन एशिया, जो कि नाइट स्काई एंड लाइट पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है। तो ये सर्टिफिकेशन दी है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने, जो कि प्रमोट करता है एस्ट्रोनॉमी को। 58th डीजीपी आईजीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन, तो ये कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई थी इन जयपुर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको अटेंड किया था। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर 2023 इन द एस्टीम्ड स्काई ट्रैक्स अवार्ड इज वॉन बाय, तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। तो हैरान मत होइए, ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। लगने में ये लगेगा आपको कि कोई मॉल है, देखने में लगेगा कि कोई मॉल है, बट नहीं, ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? तो कौन सी कंट्री ने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया? तो ये है किर्गिस्तान।
किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को डिक्लेयर किया है एज इट्स नेशनल सिंबल। इंडिया राइजेस बाय 3 स्पोर्ट्स टू डैश स्पोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2024। तो इंडिया की रैंक हुई है इस बार 80th। तो इंडिया ने 80th रैंक से सिक्योर किया है विद वीजा फ्री एक्सेस टू 62 कंट्रीज। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर इन 8th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023। तो रिसेंटली 8th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अनाउंस हुए थे जिसमें बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला था चंडीगढ़ को। और बाकी अवार्ड्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था इंदौर एंड सूरत को, दोनों को कंबाइंड फर्स्ट रैंक मिला था। क्लीनेस्ट सिटी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, ये मिला है सस्वाद जो कि है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, क्लीनेस्ट गंगा डाउन का अवार्ड मिला है वाराणसी को। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2016 से होते आ रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री भी याद रखनी है कि कौन करवाता है। विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉयड आइंस्टाइन प्रोब और लोटस शेप्ड सेटेलाइट टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस। तो कौन सी कंट्री ने आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्च किया जो कि एक लोटस शेप्ड सेटेलाइट है टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस, तो ये लॉन्च किया था चाइना ने। विच कंट्री रिसेंटली डिफीटेड पोलैंड टू विन यूनाइटेड कप 2024। तो यूनाइटेड कप होता है एक टेनिस कंपटीशन है जो कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये जीता है जर्मनी ने पोलैंड को हरा के। सो यू कैन सी दिस इज एन इंटरनेशनल हार्ड कोर्ट टेनिस कंपटीशन, मिक्स जो कि मिक्स जेंडर टीम होती है, इसमें मिक्स्ड जेंडर टीम्स फ्रॉम 18 कंट्रीज। रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ फॉर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, उग्रम इज इंडिजिनस। तो उग्रम क्या है? उग्रम है एक असॉल्ट राइफल जिसको डीआरडीओ ने रिसेंटली लॉन्च किया था फॉर आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन, तो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल ये हुआ था इन नासिक महाराष्ट्र। सो ये ऑनर करता है आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा और ये होता है 12th of January को। 12th of January को मनाया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल। वेंचो वुडन क्राफ्ट रिसेंटली गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो वेंचो वुडन क्राफ्ट को जीआई टैग कौन सी स्टेट से मिला? ये मिला है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ साथ मिला है आदि केकर को अरुणाचल प्रदेश से। वेस्ट बंगाल से 5 चीजों को जीआई टैग मिला है, टंगेल साड़ी, गरड़ साड़ी, कोरियाल साड़ी, कालो नुनिया राइस एंड सुंदरबन हनी। गुजरात में एक को मिला है कच्ची खरेक, जम्मू कश्मीर से मिला है रामबन अनारदाना को एंड सबसे ज्यादा जीआई टैक्स मिले हैं उड़ीसा से 7, जो कि है पाम जैगरी, मगजी, काल चटनी ऑफ उड़ीसा, ब्रिंजल, कपड़ंगा शॉल, पेंटिंग्स एंड कालजीरा राइस। तो सारे जीआई टैग को अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से रिमेम्बर हो जाएंगे। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लाइंड इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स मेंबरशिप। तो रिसेंटली ब्रिक्स में 6 न्यू कंट्रीज को ऐड होना था बट उस 6 कंट्री में से एक कंट्री ने डिक्लाइन कर दिया जो कि है अर्जेंटीना। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2001 में ब्रिक्स टर्म को कॉइन किया गया था जिम ओनील टू डिस्क्राइब द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड 15th ब्रिक्स समिट हुआ था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि 6 नए मेंबर्स को इंडक्ट करना है बट उसमें से अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया साइटिंग दैट मेंबरशिप वॉज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम। और बाकी कौन से मेंबर्स नए ऐड हुए हैं ये भी हमें ध्यान रखना है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड ईरान, ये नए मेंबर्स हैं और पुराने मेंबर्स तो हमें पता ही है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और नए मेंबर्स है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड इथियोपिया और अर्जेंटीना ने इसको डिक्लाइन कर दिया। तो अभी ब्रिक्स में है 10 कंट्रीज, 10 कंट्रीज और इस साल ये समिट होगा रशिया में, 2024 का समिट होगा रशिया में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कमेंसेज इन राजस्थान। तो डेजर्ट साइक्लोन रिसेंटली स्टार्ट हुई थी राजस्थान में बिटवीन इंडिया एंड यूएई। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 आर बीइंग हेल्ड इन।
तो फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों में, बोथ 1 एंड 2। तो आप लोगों को पता ही होगा अभी सेपरेट यूटीज बन चुकी हैं, दीज आर बोथ सेपरेट यूटीज। तो इसका मैस्कोट है मेजेस्टिक स्नो लैपर्ड, जिसको नाम दिया गया शीशिने, शीनशे एंड शान इन दी लद्दाख रीजन। इसका फर्स्ट पार्ट होगा लद्दाख में एंड सेकेंड पार्ट होगा इन गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी अभी चल रहा है। हुम डिड यैनिक सिनर डिफीट टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? तो यैनिक सिनर ने किसको डिफीट किया था और जीता था मेन सिंगल का टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो इन्होंने डिफीट किया था डेनिल मेडवेडेव, और ये रिसेंटली हुआ था फ्रॉम 14th to 28th January को। और इसमें मेन सिंगल जीता है जैनिक सिन्नर जो कि इटली से है, वुमेन सिंगल्स जीता है आर्यनका सेबलेंका बेलारूस की, मेंस डबल जीता है इंडिया के रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, वुमेन डबल्स जीता है हिस्सी शू जो कि ताइवान से है एंड इलीजे मर्टिन्स जो कि बेल्जियम से है, और मिक्स डबल्स का टाइटल जीता है हिस्सुवी एंड जैन जेलिंस्की जो कि है पोलैंड से। तो एक एक चीज हमें याद रखनी है। विच फिल्म वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ड्रामा एट 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 हेल्ड इन कैलिफोर्निया? तो कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिला था एट 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024? तो ये मिला था ओपन हीमर को, जो कि ये इवेंट हुआ था यूएसए कैलिफोर्निया में, यूएसए कैलिफोर्निया में ये इवेंट हुआ था। और इसमें बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी का टाइटल जीता पुअर थिंग्स ने, पुअर थिंग्स को मिला था बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी, ओपनहाइमर को मिला बेस्ट फिल्म ड्रामा। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा मिला लिली ग्लैडस्टोन को फॉर किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड मिला सिलियन मर्फी फॉर ओपनहाइमर, एंड बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा मिला सक्सेशन को। प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर सिंस 2003 ऑन 9th of January टू मार्क द रिटर्न ऑफ डैश फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो किसकी रिटर्न से ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के रिटर्न पे। तो ये 9 जनवरी को हर साल 2003 से हम मनाते आ रहे हैं टू ऑनर द इंडियन डायस्पोरा, जो भी हमारे लोग बाहर की कंट्रीज में रहते हैं जैसे कि यूएसए, यूएई, केरला के लोग बहुत जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, तो उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए हम 9th of January को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो इसलिए चुना गया ये डे क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी इसी दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। 1950 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और इन्होंने लेड किया था इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेजिग्नेट विच लैंग्वेज एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस होगी, 6 तो पहले से ही हैं, और अब इंडिया ने फारसी को एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, फारसी जिसको पर्शियन भी बोलते हैं, और 6 तो हमारे से पहले से ही हैं जैसे तमिल जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, फिर संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया एंड नाउ फारसी और पर्शियन। विच प्लेयर वॉज अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किसे मिली है? ये मिली है पैट कमिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसी के साथ साथ आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ओवरऑल मिला है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल मिला है पैट कमिंस को, और ओडीआई के लिए मिला है विराट कोहली को, टेस्ट क्रिकेटर मिला है उस्मान ख्वाजा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, और रेचल हे हो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये मिला है नैट सीवर ब्रंट को, और इसमें एक मिसिंग है T20 मिला है T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, तो ये भी हमें याद रखना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है 19 बच्चों को।
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज गिवन टू चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल अबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, और ये 5 to 18 की एज ग्रुप में दिया जाता है फॉर एक्सलेंस इन 7 कैटेगरीज, जैसे कि ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स. तो ईच अवार्डी को एक तो मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट एंड ए साइटेशन बुकलेट. सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक. इसका PPT का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर एग्जाम्स. जय हिंद, जय भारत.